वन में कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ मुश्किल हैं, क्वेश्चन को देख रहे होंगे। बाकी जो क्वेश्चन है उनमें सिंपली आपको वेलोसिटी और एक्सेलरेशन फाइंड करना है कि इजी है। मैं आज आपको सिखाऊंगा कैसे हम वेलोसिटी और एक्सेलरेशन स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 13.1 क्वेश्चन है, क्वेश्चन 9 to 12। बाकी क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हैं, आप खुद कोशिश कीजिए। आप कहा गया है इन क्वेश्चंस में फाइंड पार्टिकल्स वेलोसिटी acceleration sketch them good main velocity or acceleration pehle find karna hai aur uske baad usko sketch karna hai kar. Question number 9 mein पोजीशन वेक्टर हमें गिवन है, साइन टी प्लस टी जे, और टी की दो वैल्यूज हमें गिवन है, एक तो पाई बाय 2 है और एक पाई बाय 4 है। हम इनमें से एक वैल्यू के लिए, पाई बाय 2 के लिए वेलोसिटी और एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे और फिर उसको ड्रॉ करेंगे। बाहर ये आसान लग रहा है कि आप वेलोसिटी और एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे और उसमें वैल्यू पुट करके ड्रॉ करेंगे, लेकिन ड्रॉ करने के लिए एक टेक्निक है जो कि हम डिस्कस करते हैं। चलें सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। पोजिशन वैक्टर आपके पास है, sin t i plus cos t j। अगर आप पहले वेलोसिटी फाइंड करेंगे तो वेलोसिटी के लिए वेलोसिटी वेक्टर dr by dt फाइंड करना होगा। इसी तरह से अगर आपको एक्सेलरेशन फाइंड करना है तो हमें v का डेरिवेटिव फाइंड करना होगा, या हमें दो मरतबा डेरिवेटिव लेना होगा पोजीशन वेक्टर का। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन 2 और इक्वेशन नंबर 3 है। तो ये हमारे पास वेलोसिटी एक्सेलरेशन हमने निकाल लिया है, बाकी क्वेश्चंस में भी इसी तरह से है। आपको सिंपली डेरिवेटिव्स लेके वेलोसिटी और एक्सेलरेशन निकालना होगा। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे कि हम t is equal to पाई बाय 2 पे वेलोसिटी और एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे, लेकिन ये याद रखिए इन क्वेश्चन में हमें वेलोसिटी और एक्सेलरेशन तो निकालना ही है, लेकिन जब स्केच करना होगा तो हमें पोजीशन वेक्टर की भी जरूरत पड़ेगी। तो पहले हम पोजीशन वेक्टर में पाई बाय 2 पुट करेंगे।
साइन पाई बाय टू इज वन, ये है यूनिट वेक्टर हो जाएगा। इसी तरह से वेलोसिटी पाई बाय टू पे फाइंड करना होगी। ये यूनिट वेक्टर आ जाएगा कॉस पाई बाय टू इज जीरो। सिमिलरली आप एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे, एक्सेलरेशन पाई बाय टू आ जाएगा माइनस साइन पाई बाय टू माइनस कॉस पाई बाय टू जे आई। जब आप सेकंड पार्ट इसका सॉल्व करेंगे तो टी की वैल्यू आप पाई बाय फोर रखेंगे। सिमिलरली पोजीशन वेक्टर, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की वैल्यू आप निकाल लेंगे। वो इसी तरह से सॉल्व होगा तो हम उस पार्ट को सॉल्व नहीं कर रहे हैं। तो ये हमने तमाम वैल्यूज निकाल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप इसको प्लॉट कैसे करेंगे। देखिए याद रखें, जब भी आपने वेलोसिटी और एक्सेलरेशन प्लॉट करना है तो क्वेश्चन में तो ये कहा गया है कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन आप फाइंड करें पाई बाय टू पे, लेकिन आपको लोकेशन भी पता होनी चाहिए पार्टिकल की, कि पार्टिकल किस जगह पे था और किस जगह के लिए आप जो इक्वेशन यूज करते हैं वो है पोजीशन वेक्टर। आपको याद होगा कि कैलकुलस वन में जब भी आपको कहा जाता था कि ये एक कर्व है, इस कर्व पे आप टेंजेंट फाइंड करें। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि टेंजेंट किस जगह पे फाइंड करें। फॉर एग्जांपल एफ डैश का डेरिवेटिव जीरो पे फाइंड करें, एफ डैश का डेरिवेटिव पाई बाय टू पे फाइंड करें, किस जगह पे डेरिवेटिव आप इसका फाइंड करें। यानी कि आपको वो जगह पता होनी चाहिए कि क्या ये जगह है, ये जगह है जहां आप डेरिवेटिव लेना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर भी ऐसा ही है, इसलिए हमने सबसे पहले क्या किया है कि वो जगह देख ली है कि पार्टिकल किस जगह पे होगा जहाँ पर हमने वेलोसिटी फाइंड करनी है, जहाँ पर हमने एक्सेलरेशन फाइंड करनी है। ओके, तो सबसे पहले तो आप ये देखिए कि जो आपको पोजीशन वेक्टर गिवन है वो आपको पता चल गया होगा। पोजीशन वेक्टर आपके पास है साइन टी आई प्लस कॉस टी जे। जो पोजीशन वेक्टर गिवन है ये कौन सी इक्वेशन बन रही है, ये इक्वेशन आपके पास बन रही है सर्कल साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी इज इक्वल टू वन। ये सर्कल बन रहा है, तो हमें सर्कल विद सेंटर ओरिजिन बनाना होगा और रेडियस इसका आपने वन रखना होगा। एक्स कोऑर्डिनेट है ये बताना जरूरी होता है, अगर ये आप नहीं बताएंगे तो कुछ लोग ये समझेंगे शायद ये एक्स है शायद ये वाई है, लेकिन आपको ये बताना होगा कि दिस इज एक्स एंड दिस इज वाई। ओके, अब आपने सबसे पहले लोकेशन बतानी है, जो आपका पार्टिकल है पार्टिकल की पार्टिकल इस सर्कल पे मूव कर रहा है, सर्कुलर पाथ उसका है और प्लेन कर्व ये हमारे पास है। तो पोजीशन अगर आप इसकी देखें तो हमारे पास जब टी इज इक्वल टू पाई बाय टू है, t is equal to pi by 2 है, तो पोजीशन इसकी बन रही है आई यूनिट वेक्टर। तो आई यूनिट वेक्टर कैसे हमारे पास प्लॉट होगा, आई यूनिट वेक्टर सिंपली एक्स एक्सिस पे होगा, तो इसका मतलब है पार्टिकल जो है वो इस जगह पे है। इसको मैं कुछ हाईलाइट कर लेता हूँ, ये हमारे पास वो जगह है जहाँ पर पार्टिकल मौजूद है। अब इसकी मैं डायरेक्शन अभी नहीं देखना चाह रहा, वो डायरेक्शन मुझे वेलोसिटी और एक्सेलरेशन से भी पता चल सकेगी, अदरवाइज ये प्लॉट को प्लॉट करने से भी पता चल सकती है। यानी कि इस जगह पे होगा ये हमारा पार्टिकल। आई यूनिट वेक्टर का मतलब ये है आर ऑफ टी अगर आई यूनिट वेक्टर है तो इसका मतलब ये है कि पार्टिकल है वन एक्स वन और वाई जीरो पे, जो कि हमने यहाँ पर प्लॉट किया। अब आपने क्या करना होगा, जब प्लॉटिंग करनी है वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की, तो सबसे पहले आपने एक और एक्स और वाई देखना है जहां पर आप वेक्टर प्लॉट कर रहे होंगे। तो हमारे पास वेलोसिटी अगर देखिए तो ये है माइनस जे, हमारे पास वेलोसिटी पाई बाय टू है माइनस
जी, यानी कि नेगेटिव वाई एक्सिस पे है। इसको आप कैसे प्लॉट करते हैं? आपको पता है कि वेक्टर कैसे प्लॉट किए जाते हैं? आपने जो भी वेक्टर है उसको आपने क्या करना होगा कि यहाँ से स्टार्ट करना है, ओरिजिन से, तो इसी जगह चाहिए होगी। वेलोसिटी पाई बाय टू इज माइनस जे, और आप क्या करेंगे? इसका मैं एक एक्सिस खत्म कर रहा हूँ, तो आपका जो माइनस जे का मतलब है 0 माइनस 1, तो ये आ जाएगा यहाँ पर तकरीबन। तो ये होगा, ये वो वेक्टर है जो कि हमने प्लॉट किया है। ओके, इसको चाहे तो जिस तरह से प्लॉट करने के, तो ये आपका वो वेक्टर है, वेलोसिटी पाई बाय टू पे माइनस जे यूनिट वेक्टर है। आप क्या करेंगे? आप ये करेंगे कि इसको करेंगे कॉपी, इसको करेंगे कॉपी, ये हमने कॉपी कर लिया। इसको इस लोकेशन पे जहाँ पर ये हमारे पास पोजीशन हमने फाइंड की है, वहाँ पर इसको कर देंगे पेस्ट। यानी कि ये वाला जो वेलोसिटी पाई बाय टू है, ये तो हमने प्लॉट किया था एक्स वाई में। जब आप इसको एक्चुअल प्रॉब्लम में लेकर जाएंगे तो आपके पास ये कॉपी पेस्ट होके ये इस जगह पे आ जाएगा। आप देख रहे हैं, ओरिजिनली हमने इसको ओरिजिन से देखा है, और जब प्लॉट किया है तो ये हमने इसको यहाँ पर प्लॉट किया है। दिस इज वेलोसिटी पाई बाय टू। एक्सेलरेशन को भी इसी तरह से हम देख लेते हैं। तो आई होप कि आपको समझ आ गया कि एक्सेलरेशन अगर पाई बाय टू है तो इसका आंसर है माइनस आई। इसको अगर हम प्लॉट करने जाएंगे, फॉर एग्जांपल हम इसको प्लॉट करते हैं, तो इसका मतलब होता है -1 0। तो इसका मतलब है कि इसको हमें ओरिजिनली यहाँ से, ओरिजिन से एक वेक्टर प्लॉट करना है। -1 0 का मतलब ये होगा कि आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे और यहाँ तक आपको एक वेक्टर मिल जाएगा जो कि है -1 0, या कि -i यूनिट वेक्टर। ओके, अब हम क्या करेंगे कि इसको कॉपी करेंगे। आप क्या करेंगे? इसको कॉपी करेंगे, कॉपी, और उसी जगह पे इसको पेस्ट कर। सही, हमारे पास जिस तरह से होना चाहिए था। और इसको अगर मैं बनाऊँ इसको, तो कुछ इसकी जो फॉर्म बनेगी वेलोसिटी वेक्टर की, वो कुछ ऐसे बनती होगी। ये वेक्टर कॉपी और पेस्ट करना, पता है कोई भी वेक्टर कहीं पर भी है, यहाँ पर है या यहाँ पर है, कहीं पर भी है, इसकी अगर डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड एक जैसा हो तो ये कहीं पर भी प्लॉट हो सकता है। तो ये हमारे पास जो है, हमारे पास वेलोसिटी पाई बाय टू है, और ये हमारे पास एक्सेलरेशन पाई बाय टू है। तो ये वेलोसिटी होगी। अब अगर मैं ओरिएंटेशन देखना चाहूँ, ओरिएंटेशन का मतलब है कि पार्टिकल किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो आप देख रहे हैं कि वेलोसिटी इसकी थ्रू आउट इस तरह से बन रही होगी। इसका मतलब है कि जो पार्टिकल है वो हमारे पास इस डायरेक्शन में, यहाँ पर आज का लेक्चर हम खत्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।